बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मास्टर जाबिर पुंगश, जो आज की मैं वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा, अक्सर आपने देखा होगा कि वो सुबह उठ गए तो भी बराबर में ये तो ये हो गया, वो हो गया। अच्छा, कुछ इन चीज़ों का ये हमने बड़ा ख्याल रखना है कि रात को जब आप अचानक पानी के लिए उठते हो या बाथरूम जाने के लिए उठते हो तो वो आपकी मौत का सबब बन सकती है। अब मौत का सबब मतलब आपको बड़ा अजीब सा लगेगा कि वो कैसे। देखिए, जब आप एक बार उठते हैं, अचानक जब आपकी आँख खुलती है, जब आँख खुलती है तो अचानक उसी वक्त फ़ौरन से आप उठने लगते हो, सही। उसकी वजह यह है कि उस वक्त हमारे बॉडी के कुछ पार्ट्स होते हैं, दिमाग, खून की गर्दिश वहाँ तक अभी नहीं पहुँचा होता है, तो हम अचानक उठते हैं तो उसकी वजह से जो है वो पालिश का अटैक, पैरालाइज, हार्ट अटैक, अचानक मौत का वाक़ होना, ये सारे हादसात होते हैं इनमें। लेकिन आपने देखो, उससे सबसे पहले आपने क्या करना है, थोड़ी देर के लिए कम से कम एक मिनट के लिए, एक मिनट तक आपने, जब आप जाग गए तो थोड़े एक मिनट तक आपने ऐसे ही लेटे रहना है। फिर उसके बाद एक मिनट आपने उठ के बैठना है। फिर आपके बैठने के बाद अगर आप बेड पे सोते हो, पलंग पे सोते हो, सोफे पे वगैरह हो, तो उसके बाद फिर आपने पाँव नीचे रखे, फिर एक मिनट तक आपने बैठना है। उसके बाद यानी तीन मिनट का आपका ये एक्सरसाइज है, ये प्रैक्टिस है, ये पूरी बॉडी हमारे खून की गर्दिश जो है वो दिल की, गुर्दे, फेफड़े वगैरह सब, वो दिमाग के खून नसें वो उस तक जो अर्थ जाती है तो हम जाग जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए थोड़ा ये मैसेज मैंने मतलब अपने एक दो वीडियो में पहले भी कहा था, लेकिन मैंने सोचा कि शायद नए लोग भी, मुझे माशाल्लाह काफ़ी व्यूअर्स है तो वो भी, उनको भी ये फ़ायदा हो, तो लिहाजा ये इसका आपने बड़ा ख्याल रखना है। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ये मतलब ये जानलेवा आपका साबित हो सकता है। तो लिहाजा ये है कि आपने आराम से पहले थोड़ी देर के लिए जागे, जागने के बाद कम से कम 30 सेकंड, 40 सेकंड, एक मिनट तक आंखें खुले रखनी है, थोड़ा सा अपने आप को पूरा। फिर उसके बाद आपने उठ के बैठना है, उठ के बैठने के बाद फिर तीन कम से कम, यानी आपका जो प्रोसेस है, उठने का प्रोसेस ये आपका 3 मिनट है। तो ये 3 मिनट आप इसको मतलब ऐसे ही रखेंगे इंशाल्लाह तो आपको कभी मतलब बड़ी बड़ी बीमारियों से, हार्ट अटैक से, पैरालाइज वगैरह, ये पालिज वगैरह, इनसे बड़ा महफूज रहेंगे। मैंने सोचा ये आपके साथ ये मैसेज शेयर करूँ। अल्लाह हाफिज़।